युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं नेहरू युवा केंद्र सारण के तत्वावधान में जिला युवा अधिकारी मयंक भदौरिया के निर्देशानुसार साथी यूथ क्लब के सदस्यों द्वारा अकेडमी हाई स्कूल में मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली संबंधित जागरूकता अभियान अंतर्गत मिलेटस मेला सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत चित्रकला, नारा लेखन, पोस्टर प्रतियोगिताओं एवं अन्य IEC मटेरियल के माध्यम से युवाओं ने विभिन्न मिलेटस की उपयोगिता एवं स्वास्थ्य लाभ संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्शाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर समाहर्ता सारण डॉक्टर गगन, जिला युवा अधिकारी मयंक भदौरिया, पूर्व NSS समन्वय विद्या वाचस्पति त्रिपाठी एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। स्टॉल प्रदर्शनी अंतर्गत युवाओं ने मिलेटस से निर्मित विभिन्न आर्ट एंड क्राफ्ट बनाए थे, जिससे उन्होंने आगत अतिथियों की उपहार स्वरूप भी भेंट किया था। साथ ही मिलेटस से विभिन्न पारंपरिक खाद्य पदार्थ जैसे कुटकी खीर, चने के लड्डू, मूंग की सब्जी, बाजरा की कचौरी, मड़ुआ का केक, बेसन का हलवा, कटहल की सब्जी, ज्वार से निर्मित खाद्य पदार्थ आदि कई तरह के मिलेटस से संबंधित खाद्य उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। स्टॉल प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार कल्पना चावला ग्रुप, द्वितीय पुरस्कार जीनियस मिलेटस ग्रुप एवं तृतीय पुरस्कार मड़ुआ ग्रुप को मिला। पेंटिंग में प्रथम गुड़िया कुमारी, द्वितीय विष्णु प्रिया, तृतीय नंदिनी साव, नारा लेखन में प्रथम मुस्कान कुमारी, द्वितीय काजल कुमारी, तृतीय लक्की कुमारी रही। सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मेडल, प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अपर समाहर्ता डॉक्टर गगन ने अपने संबोधन में नेहरू युवा केंद्र सारण द्वारा इस इकाई के कार्यक्रम की सराहना की एवं सभी को मिलेटस द्वारा स्वास्थ्य लाभ एवं उपयोगिता पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है और नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में आज जो ये आयोजन किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अब मैं कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि जिस प्रकार से पौराणिक काल से ही भारत देश ने नेतृत्व दिया है विश्व को, तो 2018 में ही हमने मिलेट को और उससे पहले भी पौराणिक काल से ही हमारे यहाँ जो कोर्स ग्रेन जिसको कहते हैं मोटा अनाज, उसका सेवन सभी लोग करते रहे। और यही था कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों की उत्तर जीविता है, लोगों का सर्वाइवरशिप है, वो बहुत ज़्यादा है। और अभी जो एक हम लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण प्रारंभ किया है और बर्गर, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक जैसे ऐसे ख़राब चीज़ हमारे खान पान में शामिल कर लिए गए हैं, जिससे हम लोग सबका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो उसको एक बार उसका ठीक करने के लिए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और हमारी जो सांस्कृतिक पौराणिक विरासत है उसको फिर से आगे लाने के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों ने अपने कारित्री प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्होंने बहुत सारे पकवान बनाए हैं, बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हुए हैं मिलेट्स के थ्रू। और आज बच्चे जान रहे हैं, तो बच्चे अगर आज जानेंगे तो अपने घर में भी बताएंगे और फिर इस तरह से हम दो तीन जनरेशन को एक ही साथ अवेयर कर सकेंगे कि मिलेट खाने से क्या फ़ायदा होता है। तो एक अच्छा थीम है और स्वास्थ्य की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है और पर्यावरण के साथ जुड़ कर उसके अनुकूल जीवन शैली हो, इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर हम लोग सबको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए और इसका उपयोग भी अपने जीवन में करना चाहिए। मुझे हार्दिक खुशी हुई है, यहाँ पे बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की है, जिससे बहुत सारा खाना बनाया है, पेंटिंग की है, ड्राइंग की है, बहुत सारे कंपटीशन यहाँ पे जीते गए हैं। और यहाँ पे जैसे कि स्प्राउट्स है, चने की दाल है, रोटी है जो कि मिलेट से बन सकती है और जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो फाइबर जिसको हम इंटेक करके अपने डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके लिए हम अवेयरनेस चला रहे हैं एक तरीके से मिलेट्स प्रोग्राम के द्वारा, जो कि यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया गया है। यहाँ पे क्या कहते हैं उसका पराठा बनाया गया था आलू स्टफिंग करके, क्या कहते हैं बाजरे का, क्या कहते हैं, तो वो यहाँ पे देखा मैंने पहली बार। और लोगों ने हलवा भी बनाया हुआ था, काफ़ी तरीके की और स्वीट डिशेज बनाई गई थी जो कि मैंने अभी तक नहीं देखी है। निकिता सिंह सारण अकेडमी के विज्ञान के शिक्षक हैं और बच्चों के द्वारा बनाया गया ये मोटे अनाज का सब डिश जो आज पूरे विश्व में छाया हुआ है, यहाँ के बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों से जो आए हुए हैं अति सुंदर और बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों को इन्होंने बनाया है, जिसमें बाजरा,
जौ इन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ बच्चों ने बहुत अच्छा रंगोली भी बनाया है और आने वाले समय में ये समाज के लिए बहुत प्रेरणादायी का काम करेगा कि लोग मोटे अनाज अपने जीवन में शामिल करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमोद कुमार सिंह। आज नेहरू युवा केंद्र सारण युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में जो मिशन लाइफ चल रहा है उसमें लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज मिलेट्स मेला 2023 का आयोजन यहाँ सारण अकेडमी स्कूल में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएँ और स्टॉल्स के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से इसको जन आंदोलन बनाने का एक प्रयास है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी द्वारा सार्थक पहल की गई है। इसी के क्रम में बच्चों द्वारा बहुत अच्छे अच्छे मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ बनाए गए हैं और बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट भी बनाए गए हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों से हम लोगों को यही इंपॉर्टेंस है कि मिलेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कितना न्यूट्रिशनल है वो हमारी हेल्थ के लिए, कितना बेनिफिशियल है और इससे आने वाले जो भी पीढ़ी है वो कितनी लाभान्वित होने वाली है। बहुत सारे मोटे अनाज जो कि हमारे पूर्वज जो थे वो यूज़ करते थे और अधिक सालों तक जीते थे और अभी हमारी उम्र घटते और घटते ही जा रही है। जो लोग पहले 100 साल तक जिया करते थे वो अभी 60-70 पे ही उन लोग का डेथ हो जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि वो लोग अगर मिलेट्स का सेवन करते हैं तो उन लोगों की उम्र दीर्घायु होगी। और ये जो मिलेट्स मेला है वो इसलिए लगाया गया था कि जो 2025 तक या मोदी जी आने वाले कल में सारे इंडिया या फिर सारे वर्ल्ड के थाली में एक मिलेट्स मिला हुआ हो और इससे सारे पूरे हम अपने इंडिया की बात नहीं करें, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं सभी दीर्घायु हों। और हम बस इतना ही चाहते हैं इस मिलेट्स मेला की तरफ से कि सभी इस पे एक जागरूक हों। जिस मिलेट्स का नाम हम जानते भी नहीं थे अभी हम इस मिलेट्स का उपयोग करके कुछ बना के लाए हैं और इस मिलेट्स को हम घर पर भी जाके खाएंगे और हमेशा जब भी अच्छा लगेगा तो हम बनाए खाएंगे तो इससे हमारी भी आयु बढ़ेगी और हम इससे बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा भी दे सकते हैं और पूरे समाज में एक उपदेश फैला रहे हैं कि हमें मोटे अनाजों का मिलेट्स का सेवन करना चाहिए। पुराने ज़माने का खाना है जैसे कि अब मोटा अनाज हो गया, पुराने ज़माने जो खाया जाता था उसी को मतलब मिलेट्स बोलते हैं और यह बहुत अभी पहले ज़माने खाया जाता इधर बहुत कम खाया जाता है और ये इसीलिए ये मिलेट्स मेला लगा है कि यहाँ पे लोग जागरूक हो और पुराने खाने को खाए। क्या क्या हम लोगों ने सिंघाड़ा का हलवा बनाया है और दलिया का पुलाव बनाया है और ये क्या बोलते हैं ये मूंग दाल का हलवा बनाया है, दलिया का खीर बनाया है और ये क्या बोलते हैं चिप्स है, साबूदाना का चिप्स है और यही सब ये पिट्ठा है और क्या बोलते हैं यहाँ पे रोटी है, मकई का रोटी है, मकई का चावल है, साग है, मिक्स रोटी है जिसमें सब आ गया। खुशी नहीं विद्या मिलेट्स।